बच्चों कल अगर पेपर हो और पेपर से पहले एक लंबी सी लिस्ट हो कि भाई इस लिस्ट के सारे कंटेंट्स आप याद कर जाइए क्योंकि कल पेपर में आने वाला है और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चाहे दिल करे या ना करे वो रटना पड़ता है और याद करना पड़ता है। अब आप इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना याद करने की ज़रूरत है और ना ही ये सोचने की ज़रूरत है काश ऐसा हो जाता है और काश ऐसा हो जाता है। इस काश को एक तरफ रखिए और आइए मेरे साथ में मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के सीरीज़ के अंदर में मैं लेके आया हूँ एक ऐसे कोड के बारे में बात करने जा रहा हूँ और एक ऐसे कोड को मैं लेके आया हूँ जो कोड आपके इन सारे सवालों के जवाब देगा। मेरे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर साबिर और ये जो मैं कोड लेके आया हूँ, इस कोड का कनेक्शन जो है चैप्टर्स जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि 12th क्लास का एक चैप्टर है उससे इसका कनेक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर में जैसे कि आप पढ़ते हैं कि जैसे ही फीटल स्टेज होता है और जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो सबसे पहले 2 ब्लास्टोमेर एम्ब्रियो बनता है, फिर 4 ब्लास्टोमेर एम्ब्रियो बनता है, फिर 8 ब्लास्टोमेर एम्ब्रियो बनता है, फिर 16 ब्लास्टोमेर एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद ब्लास्टुला बनता है और फिर उसके बाद गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेज है जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां पे 3 जर्म लेयर्स पहले डेवलप होते हैं। सबसे पहले 2 जर्म लेयर डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, फिर इन दोनों के बीच में मेसोडर्म का डेवलपमेंट होता है। तो जो 3 जर्म लेयर बने उसमें से हर एक जर्म लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम को बनाता है फीटस के। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन सा जर्म लेयर कौन से ऑर्गन सिस्टम को और कौन से स्ट्रक्चर को बनाएगा, तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट टीचर्स थमा देते हैं बच्चों को कि भाई इसको याद कर जाना, समझ के। लेकिन अब आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना इतना रटने की ज़रूरत है। 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो उस 3 जर्म लेयर्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड वो मेरे कोड से होंगे, ये मेरा पूरा का पूरा दावा है। और ऑब्वियस ही बात है मैं अपने दावे में सच भी हूँ, और आपको अगर ऐसा लगे तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर जाके जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम कोड की बात करते हैं, क्या है वो मेरा कोड। देखो बच्चे, ये कोड जो है सबसे पहले एंसर्स ड्रेस, ये एन जो है डेवलप होगा एक्टोडर्म से, सर्स डेवलप होगा मेसोडर्म से, ड्रेस डेवलप होगा एंडोडर्म से। एन का मतलब है नर्वस सिस्टम, दिस नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। सर्स का मतलब है सर्कुलेटरी एक्सक्रेटरी रिप्रोडक्टिव और स्केलेटल सिस्टम जो कि डेवलप होगा मेसोडर्म से। डी से डाइजेस्टिव सिस्टम और आर एस से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो डेवलप होगा एंडोडर्म से। तो ये 3 जर्म लेयर्स, ये 3 अलग अलग जर्म लेयर्स ये बहुत सारे सिस्टम को बनाएंगे जो फीटस के अंदर में जो बनेगा। मेरे दोस्तों, ये बड़ा खूबसूरत सा कोड है और आप देखेंगे यहाँ एक और एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट ये है कि यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर ये वाला रेस्पिरेटरी है या ये वाला रिप्रोडक्टिव। अरे भाई, कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों? क्योंकि यहाँ डी आर एस, आर एस ये रेस्पिरेटरी वाला रेस्पिरेटरी है, तो ये आपका एंडोडर्म जो डेवलप से एंडोडर्म से जो डेवलप होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होगा, और यहाँ मेसोडर्म वाला जो आर है इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा। ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ सर्कुलेटरी एंड ऑल नर्वस सिस्टम से लेकर सारा। अब इसमें कहीं कहीं एक एक जगह एक आध कोई एक्सेप्शंस होंगे, वो एक्सेप्शंस आपको बस देखना होगा और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये मेरा दावा है कि 90% क्वेश्चंस ये मेरे ये खूबसूरत से कोड से होंगे। और एक और दूसरा दावा है कि ऐसा कोड आप पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मेरे इस चैनल के। तो अगर ये सारी बातें जो है ये आपको कोड बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा मेरे बारे में और इस कोड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।